सभी लोगों का एक बार फिर से बेसिक कॉन्सेप्ट में वेलकम करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है जिसके ऊपर हमने बात करनी है वो तीन चार टॉपिक हैं, आयंस एंड मॉलिक्यूलर आयंस, आइसोटोप्स एंड देयर रिलेटिव अबंडेंस, रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट और एटॉमिक मास यूनिट की जरूरत हमें क्यों पेश आती है। सबसे पहले बात करते हैं आयंस की। आयंस क्या है? तो आयंस बेसिकली जब भी किसी ऐसा कोई ऐसा स्पीशीज जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है उसको आयंस का नाम देते हैं। एनी स्पीशीज कैचेस आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड आयन। मतलब कोई भी ऐसा पार्टिकल जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है उसको हम आयंस का नाम देते हैं। तो आयन जो है ये दो तरह के होंगे। आयंस की अगर बात करें तो आयंस दो तरह के चार्जेस के अतबार से आयंस की अगर बात करें तो आयंस जो है ये दो तरह के हैं। पॉजिटिव आयन, इसको एक और भी नाम दिया जाता है कैटायन का, और नेगेटिव आयन, इसको एक और भी नाम दिया जाता है एनायन का। अब हम टर्न बाय टर्न जो है इनको अलग-अलग से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन क्या है? ऐसा स्पीशी जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वन पॉजिटिव चार्ज है, टू पॉजिटिव चार्ज है, थ्री पॉजिटिव चार्ज है, कुछ भी है पॉजिटिव के फॉर्म में है उसको हम पॉजिटिव आयन या कैटायन कहते हैं। और पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन कैसे है, पॉजिटिव आयन बनता कैसे है, फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन कैसे बनेगा? पॉजिटिव आयन उस वक्त बनेगा जब एटम के बाहर वाले शेल से एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है लूज होंगे, निकल जाएंगे, उस वक्त पॉजिटिव आयन बनेगा। क्यों पॉजिटिव आयन बनेगा? क्योंकि अगर न्यूट्रल एटम को देखा जाए तो उसके अंदर जितने प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो एटम के ऊपर किसी तरह का कोई भी चार्ज नहीं होता। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन को लूज करवा देते हैं उस वक्त नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, जिसकी बिना पे वो पार्टिकल के ऊपर, स्पीशीज के ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो फॉर एग्जांपल देखें जी, अगर हमारे पास एक कोई पार्टिकल है और इसको मैंने एनर्जी प्रोवाइड की, एनर्जी प्रोवाइड क्यों की? क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन को लूज करवाना है, हमने इसके बाहर वाले शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की ग्रिप से आजाद करवाने के लिए, फ्री करवाने के लिए बाहर से एनर्जी दी जाएगी। तो बाहर से एनर्जी दे के हम इसका इलेक्ट्रॉन जो है एक या एक से ज्यादा जब हम लूज आउट करवाते हैं तो जितने इलेक्ट्रॉन जो है निकलेंगे उतना ही इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज आउट हुआ है, नेगेटिव का मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो ये जो इसके ऊपर चार्ज आएगा वो आ जाएगा प्लस वन। प्लस वन का मतलब क्या है कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है लूज आउट हुआ है। और यहाँ पे देखें इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमने एनर्जी खुद से प्रोवाइड की है, तो ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर एनर्जी जो है सराउंडिंग मीडियम से प्रोवाइड की जाए, सराउंडिंग मीडियम से सिस्टम की तरफ प्रोवाइड की जाए, उस रिएक्शन को, उस प्रोसेस को बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस। यानी कि फॉर्मेशन ऑफ कैटायन जो है एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या क्यों है? बेसिकली इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की ग्रिप से आजाद करवाना है, फ्री करवाना है, तो उसके लिए हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है, इसलिए ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो इसकी एग्जांपल कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल देखें ये मेरे पास है सोडियम आयन, ये भी पॉजिटिव आयन की एग्जांपल है। इसके अलावा मेरे पास है एल्युमिनियम आयन, इसके अलावा मेरे पास है कैल्शियम आयन, इसके अलावा मेरे पास है पोटाशियम आयन। तो हजारों की तादाद में आप पॉजिटिव आयन की एग्जांपल दे सकते हैं। मोस्टली जो मेटल्स हैं वो इजीली इलेक्ट्रॉन जो है लूज कर सकते हैं, इसलिए हम
कह सकते हैं कि पॉजिटिव आयंस की जो एग्जांपल्स हैं मोस्टली मेटल से ली जा सकती हैं कि मेटल जो है इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेगेटिव आयन की कि नेगेटिव आयन कैसे बनेगा। नेगेटिव आयन कैसे बनता है, जब किसी न्यूट्रल एटम के बाहर वाले शेल में आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाए तो उस वक्त जो है नेगेटिव चार्ज आ जाता है पार्टिकल के ऊपर और उस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को हम नेगेटिव आयन और एनायन का नाम देते हैं। और नेगेटिव आयन जो है कैसे बनेगा, नेगेटिव आयन के ऊपर जो है चार्ज कितना है, जितना इलेक्ट्रॉन जो है उसमें ऐड होते जाएंगे उतना नेगेटिव चार्ज आता जाएगा। नेगेटिव आयन के अंदर जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा होते हैं इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। फॉर एग्जांपल देखें, मेरे पास एक पार्टिकल है लेट्स से बी पार्टिकल है और इसके अंदर हमने एक इलेक्ट्रॉन जो है ऐड करवाया तो इसके ऊपर जो है एक चार्ज आ जाएगा नेगेटिव वन, मतलब फॉर्मेशन ऑफ एनायन, नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन ये है। जब इलेक्ट्रॉन एटम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर ऐड होगा तो उस वक्त जो है एनर्जी रिलीज होगी, एलिमेंट जो है स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, एनर्जी रिलीज होगी तो फॉर्मेशन ऑफ एनायन जो है एनर्जी जो है रिलीज हो रही है इसलिए एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर सिस्टम से एनर्जी जो है सराउंडिंग मीडियम की तरफ ट्रेवल करती है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयन जो है ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और इसकी एग्जांपल कुछ भी हो सकती है, मोस्टली नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत रखते हैं ज्यादा, इसलिए नॉन मेटल की एग्जांपल्स हम दे सकते हैं कि नॉन मेटल जब इलेक्ट्रॉन गेन करेंगी तो नेगेटिव आयन बनाएंगे। फॉर एग्जांपल क्लोराइड आयन है, इसके अलावा सल्फाइड आयन है, इसके अलावा ब्रोमाइड आयन है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो है ना जो है हम एक टर्म यूज करेंगे एक और पॉलीएटॉमिक आयंस। पॉलीएटॉमिक आयंस क्या है कि ऐसे आयंस जिनके अंदर एक या एक से ज्यादा ऐसे आयन जिनके अंदर एक से ज्यादा एटम्स मौजूद हैं उनको हम बोलते हैं पॉलीएटॉमिक आयंस। पॉलीएटॉमिक आयंस आर दोज आयंस आर दोज टाइप ऑफ आयंस व्हिच कंटेन्स मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स आर नोन एज पॉलीएटॉमिक आयंस। फॉर एग्जांपल देखें पॉलीएटॉमिक आयंस की हम एग्जांपल लेते हैं जी, ये हम पॉलीएटॉमिक आयंस, पॉलीएटॉमिक आयंस फॉर एग्जांपल सल्फेट एक से ज्यादा एटम मौजूद हैं, फास्फेट PO4 -2, कार्बोनेट CO3 -2, बाइकार्बोनेट CO3 -1, तो ऐसे आयंस जिनके अंदर एक से ज्यादा एटम मौजूद हैं उनको हम पॉलीएटॉमिक आयंस का नाम देते हैं। अगर देखा जाए इनकी आयंस की रिलेटिव अबंडेंस को देखें तो जो पॉजिटिव आयंस हैं नेचर के अंदर काम पाए जाते हैं as compared to negative ion. तो ये था कुछ ions के बारे में discussion. Next बात करते हैं हम molecular ions क्या है। molecular ions क्या है, जिस तरह ये नाम से जाहिर हो रहा है molecular ions हैं जब molecules किसी molecule से electron lose हो जाएं या electron add हो जाएं किसी molecule के outermost shell के अंदर तो उस वक्त जो ions बनता है उसको हम molecular ions बोलते हैं। molecular ion जो है ये भी दो तरह के, पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन और नेगेटिव मॉलिक्यूलर आयन। तो पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन कब बनेगा और नेगेटिव मॉलिक्यूलर आयन कब बनेगा, तो पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन इस वक्त बनेगा जब हम गैसियस मॉलिक्यूल्स के ऊपर हाई एनर्जी रेज मतलब एक्स रेज अल्फा रेज फेंकते हैं और अगर इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स के आउटर मोस्ट शेल में से निकल जाएंगे तो उस वक्त पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन बनेंगे। और अगर हम अल्फा या हाई एनर्जी रेज एक्स रेज वगैरह गैसियस मॉलिक्यूल्स में से पास आउट करवाते हैं और उनके बाहर वाले शेल से इलेक्ट्रॉन जो है निकल जाते हैं और जो है निकलेंगे तो उस वक्त पॉजिटिव आयंस मॉलिक्यूलर आयंस बनेंगे और अगर इलेक्ट्रॉन जो है उसमें ऐड हो जाएंगे तो उस वक्त नेगेटिव मॉलिक्यूलर आयंस बनेंगे। तो मॉलिक्यूलर आयंस
जो है मोस्टली जो पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयंस हैं वो नेचर के अंदर ज्यादा पाए जाते हैं और नेगेटिव मॉलिक्यूलर आयंस जो है कम पाए जाते हैं। लेकिन आम जो सिंगल जो न्यूट्रल सॉरी जो आम आयंस हैं उनमें अगर देखा जाए तो पॉजिटिव आयंस कम पाए जाते हैं, नेगेटिव आयंस ज्यादा पाए जाते हैं नेचर के अंदर। लेकिन अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर आयंस की तो पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन जो है नेचर के अंदर ज्यादा पाए जाते हैं, ज्यादा हैं एज कंपेयर टू नेगेटिव मॉलिक्यूलर आयंस। तो मॉलिक्यूलर आयंस में से कौन-कौन सी एग्जांपल आ सकती हैं? मॉलिक्यूलर आयंस में एग्जांपल आ सकती है CH4 पॉजिटिव, इसके अलावा आ सकती है CO पॉजिटिव, इसके अलावा आ सकती है Na2 पॉजिटिव। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं मॉलिक्यूलर आयंस की। यहां पे एक क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है कि पॉजिटिव आयन को कीटायन क्यों कहा जाता है? पॉजिटिव आयन को कीटायन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कैथोड की तरफ ट्रैवल करता है, अपोजिटली चार्ज टर्मिनल की तरफ जो है मूव करता है, इसलिए इसको कीटायन का नाम भी दिया जाता है। नेगेटिव आयन को एनायन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एनोड की तरफ ट्रैवल करता है, ये अपने अपोजिट टर्मिनल की तरफ मूव करेगा, इसलिए इसको नेगेटिव आयन भी कहा जा सकता है। तो ये था हमारे पास आयंस और इसकी मॉलिक्यूलर आयंस के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम बात करते हैं आइसोटोप्स एंड देयर रिलेटिव अबंडेंस। आइसोटोप्स क्या हैं और नेचर के अंदर कौन से आइसोटोप जो हैं ज्यादा पाए जाते हैं? आइसो मींस सेम, टॉप्स मीन पोजीशन। आइसो मीन सेम, टॉप्स मीन पोजीशन, सेम पोजीशन। इसका मतलब सेम पोजीशन क्यों है ये हम एट द एंड जो है बात करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन को देखते हैं। आइसोटोप्स किसी एक एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर जो है डिफरेंट है। यानी कि एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास आर नोन एज आइसोटोप। तो यहां पे दो बातें हैं, एटॉमिक नंबर सेम है और एटॉमिक मास जो है डिफरेंट है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो एटॉमिक नंबर है उसको हम अगर डिफाइन करें तो एटॉमिक नंबर होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब हम बात करते हैं एटॉमिक मास की तो एटॉमिक मास दो चीजों का मजमुआ होता है, सम होता है, समेशन होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो इसका मतलब क्या है? एटॉमिक नंबर आइसोटोप का सेम है, मतलब के आइसोटोप के अंदर जितने भी आइसोटोप होंगे उनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है एक जैसे होंगे। लेकिन मास नंबर डिफरेंट होने का मतलब यह है कि आइसोटोप जो है उनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है डिफरेंट होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक जैसे होंगे लेकिन उनके अंदर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो डिफरेंट होंगे, जिसकी वजह से मास नंबर डिफरेंट है। तो अगर हम कहें कि आइसोटोप जो है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के ज्यादा या कम होने की बिना पे आइसोटोप जो है क्रिएट होते हैं, तो ये बात गलत नहीं होगी। आइसोटोप्स आर क्रिएटेड ऑन द डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के डिफर करने के बिना पे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफर होने की बिना पे, डिफरेंट होने की बिना पे जो है आइसोटोप क्रिएट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें मेरे पास है कार्बन, कार्बन के तीन आइसोटोप हैं। इस बात को जो है ना आप प्रूव करते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे डिफरेंट है। तो कार्बन के तीन आइसोटोप हैं, फॉर एग्जांपल देखें कार्बन 12, इसके अलावा कार्बन 13, इसके अलावा कार्बन 14।
इसमें देखते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इसमें देखें अगर इसमें 6 प्रोटॉन है, 6 ही इलेक्ट्रॉन है और 6 ही न्यूट्रॉन है। लेकिन अगर इसमें देखें इसमें भी 6 प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है और 7 न्यूट्रॉन है। अगर इसमें देखें इसमें 6 प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है और 8 न्यूट्रॉन है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो कार्बन के तीन आइसोटोप हैं इनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है सेम है लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है डिफरेंट है। तो चूंकि एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो इस वजह से एटॉमिक नंबर सेम होता है। लेकिन एटॉमिक मास चूंकि सम होता है, समेशन होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का, तो इसलिए आइसोटोप का एटॉमिक मास डिफरेंट होता है क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है डिफरेंट होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के भी तीन आइसोटोप हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रम एंड ट्रिटियम। इसमें अगर देखें इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है एक है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक है, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है जीरो है, मतलब इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नहीं है, कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है। इसकी बात करें अगर ड्यूट्रम की, तो यहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन एक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी यहां एक है। इसके बाद अगर बात करें हम ट्रिटियम की, तो ट्रिटियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एक है, इसके अलावा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन टू है। तो इसका मतलब यह क्या है कि यहां पे भी आप देख सकते हैं कि इनके अंदर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, मतलब इनका भी एटॉमिक नंबर सेम है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होने के बिना पे इनका एटॉमिक मास डिफरेंट है। तो ये कुछ एग्जांपल थी जिससे हमें पता चल रहा है कि इन आइसोटोप का एटॉमिक नंबर क्यों सेम होता है और एटॉमिक मास क्यों डिफरेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आइसोटोप जो है कौन कौन सी प्रॉपर्टीज शो कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप की अगर बात करें तो आइसोटोप जो है कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप, आइसोटोप्स सबसे पहली प्रॉपर्टी इनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हैव सेम एटॉमिक नंबर, हैव डिफरेंट एटॉमिक मास, इसके अलावा हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या मतलब है इसका, केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों सेम है। केमिकल प्रॉपर्टीज बेसिकली किसी भी एलिमेंट की डिपेंड करती है उसकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। तो चूंकि जितने भी आइसोटोप हैं उनके बाहर जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर वाले शेल के जो है उसके ऊपर डिपेंड करती है केमिकल प्रॉपर्टी। बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन जो है हिस्सा लेते हैं रिएक्शन के अंदर, बॉन्डिंग वगैरह के अंदर। तो चूंकि जितने भी आइसोटोप हैं उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने की वजह से उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो भी सेम होगी। इसके अलावा हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इस तरह डेंसिटी वगैरह जो है डिफरेंट हो सकती है। इसके अलावा इसकी एक और प्रॉपर्टी है कि किसी एक ही एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप हैं उनको पीरियोडिक टेबल के अंदर एक ही पोजीशन पे रखा जाता है, हैव सेम पोजीशन
इन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल, यही वजह है आइसोटोप को नाम दिया जाता है सेम पोजीशन, क्योंकि इसको पीरियोडिक टेबल में एक ही जगह पर रखा जाता है। एक ही जगह पे क्यों, इसकी वजह क्या है, क्यों इनको एक जगह पे रखा जाता है? तो इनको एक जगह पे रखने का मकसद ये है कि जो हमारा पीरियोडिक टेबल है उसको अरेंज किया हुआ है अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर। तो चूंकि अरे जितने भी आइसोटोप हैं सबका एटॉमिक नंबर सेम है, इसलिए जितने भी किसी एक एलिमेंट के आइसोटोप होंगे उन सबको एक ही जगह पे पीरियोडिक टेबल के अंदर रखा जाएगा। तो ये था कुछ प्रॉपर्टीज थी। इसके अलावा एमसीक्यू के अतबार से कुछ एलिमेंट हैं उनके आइसोटोप्स कितने कितने हैं वो हम जो है यहाँ पे लिख देते हैं, वो आपने याद करने हैं एमसीक्यू के तौर पे। फॉर एग्जांपल जो हाइड्रोजन है, अगर हम हाइड्रोजन के आइसोटोप की बात करें तो हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप, अगर हम बात करें कार्बन की, कार्बन के भी तीन आइसोटोप हैं। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन के भी तीन आइसोटोप हैं। अगर हम बात करें निकल की, निकल के पांच आइसोटोप हैं। अगर हम बात करें कैल्शियम की, कैल्शियम के छह आइसोटोप हैं। इसके बाद हम बात करें प्लैटिनम की, प्लैटिनम की बात करें तो इसके भी छह आइसोटोप हैं। अगर हम बात करें कैडमियम की, कैडमियम की बात करें तो कैडमियम के नाइन आइसोटोप हैं। इसके बाद अगर हम बात करें टिन की, टिन को स्टेनिस भी बोलते हैं, टिन की बात करें एसएन इसका सिंबल होता है, एसएन ये इसका सिंबल है, टिन इसको बोलते हैं, स्टेनिस भी बोलते हैं, स्टेनिक भी बोलते हैं, और वो डिपेंड करता है कि इसके ऊपर चार्ज कौन सा है। तो बाय द वे आपने ये याद रखना है कि टिन के कितने आइसोटोप हैं, नंबर ऑफ आइसोटोप टोप्स ऑफ टिन इज 11। तो ये एमसीक्यूज के तौर पे आपने याद रखना। तो इसके बाद हम बात करेंगे रियलिटी ऑफ अबंडेंस ऑफ आइसोटोप के, कौन कौन से एलिमेंट के आइसोटोप जो हैं ज्यादा पाए जाते हैं, रियलिटी ऑफ अबंडेंस ऑफ आइसोटोप। नेचर के अंदर कौन कौन से एलिमेंट के आइसोटोप ज्यादा पाए जाते हैं, अगर हम नेचुरली बात करें तो नेचर के अंदर 280 आइसोटोप्स हैं, नेचुरली 280 जो ये नेचर के अंदर खुद से पाए जाते हैं, जिनमें से 40 रेडियोएक्टिव हैं। रेडियोएक्टिव मतलब 40 आइसोटोप्स ऐसे हैं जो खुद ब खुद डिफरेंट टाइप्स की रेज एमिट करके किसी दूसरे एलिमेंट में चेंज हो जाते हैं, वो रेडियोएक्टिव हैं, और 280 में से 40 रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स मौजूद हैं। बाकी जो 240 हैं वो स्टेबल हैं, वो जितने देर मर्जी पड़े रहें वो अपनी जो असली कंडीशन है ओरिजिनल कंडीशन को मेंटेन रखेंगे। लेकिन अगर हम बात करें आर्टिफिशियल तरीके से बनाए जाने वाले आइसोटोप जो हैं वो हैं 300 आइसोटोप जो हैं ये आर्टिफिशियली प्रिपेयर हुए हैं। और ये 300 के 300 ही जो है ये अनस्टेबल है, ये खुद को खुद रेज एमिट करके किसी दूसरे एलिमेंट में चेंज हो जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर जो है ऑड है, उनके आइसोटोप दो से ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करते, स्टेबिलिटी गेन नहीं कर पाते, लेकिन ऐसे आइसोटोप जिनका एटॉमिक जो मास है वो इवन है,
वो वाले आइसोटोप नेचर के अंदर ज्यादा पाए जाएंगे। यहाँ पे आपकी बुक के अंदर जो है कुछ एग्जाम्पल दी हुई है कि ऐसे आइसोटोप जिनका मास नंबर जो है 4 का मल्टीपल है, मतलब जो 4 के ऊपर पूरे पूरे डिवाइड होते हैं वो अर्थ क्रस्ट का ऑलमोस्ट 50% पोर्शन बनाते हैं। उनमें हम देख सकते हैं कैल्शियम है 40, इसके अलावा सिलिकॉन है 28, इसके बाद है आयरन फेरस है। तो ये आप देख सकते हैं कैल्शियम सिलिकॉन फेरस ये कुछ एलिमेंट हैं जिनका एटॉमिक मास जो है 4 का मल्टीपल है, तो ये अर्थ क्रस्ट का ऑलमोस्ट 50% पोर्शन बनाएंगे, पोर्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट। इसके बाद अगर बात करें जनरल करें मुख्तसर अपने जो है टॉपिक को कवर करने की कोशिश करें, तो ऐसे एलिमेंट जिनका मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों ही इवन है वो नेचर के अंदर ज्यादा पाए जाते हैं। और अगर बात करें इसमें से तो 280 जो आइसोटोप हैं जो नेचर के अंदर नेचुरली पाए जाते हैं उनमें से 154 ऐसे आइसोटोप हैं जिनका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास ये दोनों ही इवन है। मतलब बात करने का ये है कि ऐसे आइसोटोप जिनका एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों ही इवन है वो नेचर के अंदर ज्यादा पाए जाएंगे। तो इसके अलावा अगर बात करें हम कुछ ऐसे भी एलिमेंट हैं जिनका एटॉमिक नंबर जो है जिनका जो सिर्फ एक ही आइसोटोप रखते हैं उनको हम बोलते हैं मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट। मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट क्या है कि ऐसे एलिमेंट जिनका सिर्फ और सिर्फ एक ही आइसोटोप है, उनमें आ सकता है गोल्ड है, फ्लोरीन है, आयोडीन वगैरह, ये सारे के सारे जो है मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट है। तो आज की क्लास में इतना ही जो है, इसके बाद आगे हम बात करेंगे नए लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।